खा दिया, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई किस लिए? अरे जाहिर सी बात है, कोई खुशी की खबर होगी, इसीलिए मिठाई लेके आई हूं ना। तुम सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो, बाहर नहीं आती ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। ताईजान ने मेरा और जुहेब का रिश्ता तय कर दिया है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अरे भाई, तुम्हारा तो हक बनता है मिठाई खाने का। तुम ना सिर्फ मेरी दोस्त हो बल्कि जुहेब की भी इतनी अच्छी दोस्त हो। सबसे पहले तो तुम्हें ही मिठाई खिलानी चाहिए थी, ये लो। क्या हुआ, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? बहुत मुबारक हो। दिल से कह रही हो ना? मैं भी कितनी पागल हूं, कुछ भी सोच लेती हूं। पता है, तुम्हारी और जुहेब की दोस्ती देखकर तो एक लम्हे के लिए मैं डर ही गई थी, मगर वो मेरी सिर्फ एक गलत फहमी थी। दोस्ती तो इंसान किसी से भी कर लेता है, मगर लाइफ पार्टनर तो सिर्फ एक ही होता है। मुझे अंदाजा तो था कि जुहेब मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। हादिया, मैंने बहुत चाहा है जुहेब को, और इंसान जिसे चाहता है ना, उसे खोने का डर उसके दिल में और भी बढ़ जाता है। But thank God, आज मेरा ये डर भी खत्म हो गया। I'm sorry, मैंने तुम्हारी और जुहेब की दोस्ती को गलत समझा। आज तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि जुहेब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मिठाई रख के जा रही है, तुम खा लेना, ठीक है?